हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं एक मूवी सॉन्ग को रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, एक स्थाई और एक अंतरा, क्योंकि स्थाई बहुत छोटा सा है इसीलिए एक अंतरे के साथ मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसे मैं ट्यून सेंस सीरीज के तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं इसमें हारमोनियम बजाते हुए आपको दिखा नहीं रहा हूँ। ट्यून सेंस सीरीज का मतलब है कि मैं जो गा रहा हूँ उस गाने के ट्यून को आप खुद से समझ सकें कि हारमोनियम में वो किस तरह बजेगा, उसका प्रयास करना है। और इसके विषय में मैं बहुत सारी बातें आपको बताता रहा हूँ शुरू से कि किस तरह जब हम किसी भी शब्द को गाते हैं तो उसे हमें समझना है कि स्वर ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर, और किस ऊंचाई में स्वर है इसे हमें थोड़ा सोचना है। जैसे मान लीजिए ये गाना है चौदहवीं का चांद, तो इसे जब हम शुरू करते हैं तो किस तरह से उस पर हम आवाज लगाएंगे ये हमें ढूंढना होता है। तो हारमोनियम पर आप उसे ढूंढेंगे। और मैं जस्ट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको कि ये सा जो है इसका वो जी शार्प है, लेकिन इसे हम शुरू कर रहे हैं डी शार्प से, नीचे से। तो देखें किस तरह से ये शुरू होगा। चौदहवीं का चांद हो, अब इसमें गौर करने वाली बात है, चौद चौ से द जो है वो ऊपर की ओर स्वर जा रहा है, तो हमें ध्यान देना है चौ का, हमें सबसे पहले स्वर ढूंढना है। चौ चौ अब यहां से शुरू हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे ढूंढें आप, हिंट मैं इसलिए देता हूं ताकि आप उसके आगे ढूंढ सकें। चौद चौद मी का, अब मी से का नीचे आता है तो हमें ढूंढना है कि कौन से नोट पर स्वर जा रहा है। चौदहवीं का चांद हो, फिर से चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, या आफ़ताब हो, जो भी हो जो भी हो, ये भी जो है ये है डी शार्प ऊपर का, जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो फिर से चौदहवीं का चांद हो, चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, ये है स्थाई। अंतरा, जुल्फे हैं, ये जो जुल्फे शुरू करते हैं ये शुरू करते हैं हम सी से। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे, फिर से जुल्फे हैं जैसे कांधे पे, बादल बादल झुके हुए, फिर से जुल्फे हैं जैसे कांधे पे, बादल
झुके हुए आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए। पहली लाइन और दूसरी लाइन अंतरा का सेम है। आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम, फिर से, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। अंतरा को मैं एक बार फिर से गाता हूं, ध्यान से सुने। जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही धीमी गति से कोशिश करें स्वर को समझने का, और इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और इसके बाद मैं इसे हारमोनियम पर बजा करके भी गाकर भेजूंगा, ताकि आप ये देख सकें कि जब आप बजाए थे तो उसमें क्या क्या गलतियां रह गई थी या क्या क्या उसमें सुधार करना है। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करें, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।